ये वीडियो कोई प्लान वीडियो नहीं है। एक्चुअली मैं अभी अभी बाहर गई थी कहीं काम से, तो जैसे ही मैं घर वापस आई हूँ तो जैस्मिन के ऊपर से शाउट करने की आवाज़ आ रही थी कि मम्मा जल्दी आओ, एक न्यूज़ मिली है इंस्टाग्राम पे कि कल हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि उसने बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं 12th स्टैंडर्ड के, तो उसका रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड था 28th ऑफ मे को, तो जबकि काफ़ी दिनों से यही शोर हो रहा था कि 28th ऑफ मे को रिजल्ट आएगा, लेकिन सडनली अभी न्यूज़ अनाउंस हुई है कि कल रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, तो अभी ऊपर जा रही हूँ उसी से पूछती हूँ जाके कि क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी मैडम, क्या सुन रही हूँ मैं? अरे कैसे बैठी है, क्या हुआ है, रो रही है? क्या बताया? तू तो कहती 28 को आएगा। जल्दी बता क्या मम्मा चीटिंग है। मम्मा हम प्राइम मिनिस्टर को जाके कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? क्यों? ये बहुत ज्यादा गलत बात है। उन्होंने बोला 28 का मैं प्रिपेयर थी, चलो मंडे का रिजल्ट आएगा, आई एम हैप्पी, मैं एक्साइटेड थी कि चलो यार ऐसा आएगा तो ऐसे होगा ऐसे होगा। एकदम से बोल रहे हैं कि कल रिजल्ट आएगा कुछ घंटे पहले, तो क्या हो गया? चीटिंग? अरे आप तो प्रिपेयर, यार ऐसे नहीं होता मम्मा, प्रिपेयर्ड फिर क्या हो गया? मुझे पता था रिजल्ट अच्छा आएगा, पर फिर भी वो नर्वसनेस तो होती है ना हर इंसान को, जैसे एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं मेरे को। एंजाइटी अटैक्स आ रहे, उससे क्या होगा? जो रिजल्ट आपने, जो दिमाग खराब हो रहा है, आपने जो किया था एग्जाम्स में वही तो रिजल्ट में आएगा ना। उसने मुझे बताया एंड आई वाज कैजुअल टीचर, मैंने तू तो ऐसे बकवास मार रहा है। उसने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि हां 12th ही इसको ऑल द बेस्ट है, तो मुझे लगा कि चल यार ऐसे मारे, मैं उसको मैसेज किया कि तू ऐसे बकवास मार रहा है, तो रोज ऐसी न्यूज़ आ रही है 26 को 25 को, नहीं नहीं 28 को आना, यार चेक कर ले जब गूगल पे सब कुछ यही है। और जब मैंने चेक किया तो एजुकेशन मिनिस्टर का ट्वीट आया है कि कल रिजल्ट है। ओह माय गॉड, तो चलिए फिर ये तो फाइनली है कि कल रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आपके कैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं? मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, पर वो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट तो होती है ना, सब दोनों मतलब फीलिंग्स आ रही है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी हो रही है और साथ में एक्साइटमेंट भी है ना। कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने परसेंट आने की उम्मीद है? 90% अबव तो श्योरिटी है। तो ये हमेशा मुझे कहती है कि आप टेंशन मत लो कि मेरे 90% से अबव मार्क्स आएंगे, लेकिन आज जो इसकी हालत देख रही हूँ मैं, उससे मुझे लग रहा है वो नीचे जो कार्टून देख रहा है ना, वो भी मेरे को बोल रहा था मम्मा वो शाउट कर रही है कि कल मेरा रिजल्ट आ रहा है और देखना उसके 40% मार्क्स आएंगे। नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो ऐसे बोल रहे कि प्लीज कल रिजल्ट नहीं आना चाहिए, नो डोंट डू लाइक दिस, रोने वाली शक्लें बनाई हुई, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे रिएक्ट करें, हम मरने वाले हैं एंड ऑल दैट, लाइक नो 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 नो, मुझे और नर्वस मत करो, इट्स ओनली अ रिजल्ट यार, इतना मत डरो। नहीं, पर मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम बोर्ड दिया है, 10th भी हमारा बोर्ड था, 10th भी हमारा स्कूल बोर्ड था, सो इट्स डिफरेंट। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। कैसे चेक करेंगे वो क्या होगा, कैसे चेक करेंगे कि आप तो चेक हो चुके हैं, रिजल्ट रेडी हो चुका है, तो अब तो कोई डरने की जरूरत है नहीं। तो अभी आज वीडियो शूट करने का कोई प्लान नहीं था, तो सडनली जैसे ही इसने ऊपर से आवाज लगाई तो मुझे एकदम से लगा कि ये वाली जो फीलिंग मुझे हो रही है, ये फीलिंग मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग तो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके साथ ऐसा लगता है कि एक रिलेशन बन चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि अब आने वाले टाइम में जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरे लाइफ के जो भी मेरे मूड स्विंग्स होंगे, जो भी मेरे लाइफ में जो भी होगा, खुशी है या गमी है, कुछ भी है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सडनली जैसे ही इसने मुझे आवाज़ लगाई तो एकदम से मेरे माइंड में आया और मैंने फटाफट कैमरा उठा लिया कि मैं जाऊँ और आपके साथ पहले फीलिंग शेयर करूँ और फिर इसके साथ जाके मिलती हूँ और पूछती हूँ कि क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी शोर हो रहा है, कभी लोग बोल रहे हैं कि इतनी डेट को रिजल्ट आ रहा है, कोई कोई कुछ बोल रहा है कुछ बोल रहा है, तो सच में रिजल्ट इसका आ रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि क्या होने वाला है कल। तो अभी जस्ट वीडियो बनाने का और अपलोड करने का मकसद यही है कि आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो और ये बच्ची आपकी बच्ची जैसी है, तो मैं चाहती थी कि आप लोग अपनी बेस्ट विशेज हमें दो, मेरी बेटी को अपनी बेस्ट विशेज दो, और साथ ही जितने इसके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं,
मैं उन सब बच्चों को अपनी तरफ से और अपने व्यूअर्स की तरफ से भी बेस्ट विशेस कहना चाहती हूँ। तो बच्चों, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ रिज़ल्ट, और 12th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट जो है वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाला है। जो भी है वो सब अच्छा है, ये बोल रही है इसके 90% से अबव आएंगे, बट जो भी रिजल्ट आएगा दैट्स फाइन, हम पेरेंट्स हैं, हम जरूर, व्हाट यू मीन, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे फ्यूचर में अच्छा करें और उनको अच्छे स्कोप मिले, अच्छी जॉब या अच्छे बिजनेस हो उनके, ताकि उनकी लाइफ सेटल हो जाए, ये बात ठीक है, लेकिन इट्स ओके। नहीं, व्हाट यू मीन, मतलब ये बोले 90%, तो मतलब क्या लग रहा है, मतलब नहीं आएंगे? नहीं नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ये बोल रही है 90% पर जैसे आ रही, मैं ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज बोल रही हूँ, अपने व्यूवर्स से बात कर रही हूँ कि बोले मेरे 90% से अबव आएंगे, आ जाएंगे, मुझे पता है कि इसने बहुत मेहनत की है, बहुत वर्क हार्ड किया है, तो एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर थोड़ी बहुत परसेंटेज कम भी आएगी तो हम इसको कुछ बोलेंगे, डांटेंगे। कई बच्चे बहुत डरे हुए हैं, जैसा ये बोल रही है कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं, तो बच्चों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ रिज़ल्ट। तो इस रिज़ल्ट को आप ऐसे मत लीजिए, एक हवे की तरह, एक डरावने उसमें मत लीजिए, तो जो होगा सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम अस, है ना, टू यू। और कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारी विशेस चाहिए, आप सबकी बहुत सारी विशेस चाहिए हमें, मुझे, मेरी बेटी को, ताकि हमारी नर्वसनेस थोड़ी सी कम हो जाए। बाकी रिजल्ट तो प्रिपेयर हो चुका है, उसमें कुछ चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे चाहिए कि मैं आप सबसे विशेस मांगूं। सो प्लीज़ गाइस, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।